चांद निकल आया। चांद आ गया। चलो चलो पूजा करें। चलो जी आओ जी सारी रस्में पूरी करो। मैडम चांद निकल गया चले। युवी पुत्र कहाँ जा रहा है? बेबे हर साल की तरह मैं वो वाला चांद अपने इस चांद के साथ देखूंगा प्राइवेट सेटिंग में। चले कुंज, मैंने सरना हाउस और लीला जी के घर में एक आदमी को प्लांट किया जो वहां नौकर का काम करेगा और हमें सारी इंफॉर्मेशन देता रहेगा। उसने कुछ पिक्चर्स भेजे हैं। आई वॉन्टेड टू शो यू। ये पिक्चर्स देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि उन लोगों ने पास्ट को भूलकर मूव ऑन कर दिया है। युवराज तो जैसे उस घर का हिस्सा ही बन गया। और ट्विंकल भी काफी खुश लग रही है। मेरी फैमिली, मेरी अपनी फैमिली ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, इतनी आसानी से मुझे भुला दिया। और ट्विंकल कभी नहीं भुला सकता, उन सबका धोखा इतनी आसानी से नहीं भुला सकता। रस्में शुरू करें। हैप्पी करवाचौथ। थैंक यू। ट्विंकल, मैं जानता हूं आज भले ही हम लोग शादी के बंधन में बंधे हुए, लेकिन आज भी तू कुंज को अपना पति मानती है। तेरे दिल में सिर्फ कुंज, और तेरा दिल धड़कता है तो सिर्फ कुंज के लिए।
But trust me, मैं अपनी लिमिट्स कभी क्रॉस नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। और मैं ये भी जानता हूँ कि दुनिया हमें एक हैप्पी कपल की तरह जानती है, लेकिन फैक्ट तो ये है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। क्यों इतना अच्छा हो गया तू यूवी? हमारी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन तूने मुझ पे कभी अपना हक नहीं जताया। मुझे हमेशा मेरी स्पेस दी, मुझे मेरे कुंज की यादों के सहारे जीने दिया। यूवी, कभी कभी मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ, क्योंकि मैं तुझे दोस्ती के अलावा कुछ नहीं दे सकती। कब तक हम इस झूठी शादी को निभाते रहेंगे? और फिर जिस वजह से हमने ये शादी करी थी, मेरा बेबी, अब तो वो भी इस दुनिया में नहीं है ना। क्या जरूरत है इस झूठी शादी को निभाने की? कब तक हम सारी दुनिया के सामने एक अच्छे हैप्पी कपल बने रहने का नाटक करते रहेंगे? मेरी परेशानियां कम करने के चक्कर में तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? तू मुझे डिवोर्स दे दे और एक अच्छी लड़की ढूंढ अपने लिए। तुझे पूरा हक है खुश रहने का, तुझे भी तो तेरे जीवन की सारी खुशियां मिलनी चाहिए। मेरे लिए क्यों अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रहा? 5 साल हो गए यूवी, बहुत। तू चाहती है ना कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, तो फिर ठीक है, वो मैं कर लूंगा। लेकिन मैं अपनी लाइफ में तभी मूव ऑन करूंगा जब मुझे तुझ जैसी या तुझसे एक नॉच ऊपर जल्दी अगली डकलिंग फेस वाली लड़की मिलेगी। तब हम दोनों, मैं, मेरी हीरोइन और मेरी बाइक, कैसे एक रोमांटिक से ड्राइव पे निकल जाएंगे। एंड यू नो व्हाट, माइंड यू, वो तेरी तरह बाइक पे जब ट्रैवल करेगी चिल्लाएगी नहीं जोर जोर से। यू नो व्हाई? बिकॉज़ शी विल बी माय लेडी। मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुझे मजाक सोच रहा है? अरे आई एम सीरियस, मैं ऑनेस्टली तुझे बता रहा हूँ, जिस दिन मुझे ऐसी लड़की मिल जाएगी, मैं पूरी जिंदगी हंसी खुशी उसके साथ बिताऊंगा। आई स्वेयर। बहुत प्यार करूंगा उससे, खुद से भी ज्यादा। आई प्रॉमिस। ट्विंकल, मैं जानता हूं कि आज भी तेरी नजरें सिर्फ कुंज को ढूंढ रही हैं, तभी तू मेरी नजरों को पढ़ नहीं पा रही। तू देख नहीं पा रही कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, हमेशा करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। काश किसी दिन तू मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर सके। आई जस्ट विश कि एक दिन ऐसा आए जब तू मुझे भी प्यार से देखे। काश किसी दिन तू कुंज की यादों को पीछे छोड़कर मेरे साथ नई यादें बनाने के बारे में सोचे। तुम्हारे मैनेजर का फोन आया था, वो प्लान के मुताबिक सरना हाउस पहुंच गया।
कुंज पर शादी वाला प्लान ही क्यों? आई मीन ट्विंकल और युवराज से मिलने के लिए कोई और बहाना भी ढूंढ सकते थे। नहीं, वेडिंग प्लानिंग के बहाने ट्विंकल हर वक्त मेरे आसपास रहेगी और मैं फाइनली अपना बदला ले सकता हूँ, जिसका मैं पिछले 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ। कुछ नहीं भूला हूं मैं, कुछ नहीं। जिस ट्विंकल को मैंने इतना प्यार किया, जिस पर मैंने खुद से भी ज्यादा भरोसा किया, उसने इतनी आसानी से मुझे भुला दिया। मुझे ढूंढने तक की कोशिश भी नहीं की, मुझे वहां गोवा में मरने के लिए छोड़ दिया और यहां आकर मेरे कातिल के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी। बेवफा, झूठ बोलती थी कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन अब से अपने हर झूठ का हिसाब देना होगा। हर पल जो मैंने उसके बिना काटा है, उसके लिए तड़पा, सबका हिसाब देना होगा। मेरे हर गम का, हर धोखे का, हर चोट का हिसाब देना होगा। बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें ट्विंकल, तबाह कर दूंगा तुम्हारी और युवी की शादी को, तुम्हारी लाइफ को। इट्स पे बैक टाइम ट्विंकल, एंड आई एम कमिंग टू डिस्ट्रॉय। गेट रेडी, माय सो कॉल्ड सियापा क्वीन। बहुत जल्द ट्विंकल, बहुत जल्द हम मिलेंगे। वाओ यार ट्विंकल, इस रॉकी सिंह ने तो अल्टीमेट चैंपियनशिप भी जीत रखी है। आई मीन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये। बंदे में दम तो है बॉस, क्योंकि ये मैच तो मैं फॉर श्योर देखने वाला हूं। यूवी, मेरी बात सुन, हम मैच के बाद जा, क्योंकि हमें तब तक टाइम मिल जाएगा प्रेजेंटेशन अच्छे से बनाने का, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। आफ्टर ऑल रॉकी सिंह बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, ठीक है? तू भी जल्दी जल्दी काम पे लग जा, बहुत सारी चीजें हैं। हां दे यार ट्विंकल, आई मीन जब भी कुछ भी एक्साइटिंग करने का मौका आता है ना, तो हेडमिस्ट्रेस की तरह बातें करने लग जाती है मुझसे। मतलब पहले ये करना है, वो करना है, एंड जब सारी चीजें हो जाती है, सारे काम हो जाते हैं ना, तो तू सारी एक्साइटमेंट खत्म कर देती। दिस इज व्हाट यू डू। बट यूवी, हमारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पहले काम बाद में सब कुछ। ट्विंकल देख, फॉर श्योर मैं ये गेम देखने वाला हूं, बिकॉज़ आई लव बॉक्सिंग। यू नो हाउ मच आई लव बॉक्सिंग, आई कांट जस्ट मिस इट। नो आई कांट, नो आई एम सॉरी। आई तो डोंट अंडरस्टैंड, ये आधे आधे कपड़े पहन के एक दूसरे को मुक्के मार के लोगों को क्या मजा आता है? कितनी चोट लगती होगी, कितना दर्द होता होगा। बेबी डॉल, ये बॉक्सिंग है, मर्दों का गेम। ये कोई वो घर बैठे चाय बना ली, बन गई, कुछ भी डाल दिया, ये वाला गेम नहीं है। अरे भाई बॉक्सिंग है, तूने सुना होगा ना, मर्द को दर्द नहीं होता। दिस इज व्हाट इट इज, द रियल गेम। अब देख, अगर तुझे नहीं देखना ना, तू आंखें बंद कर ले और मैच देखते रहियो, बिकॉज आई एम गोना वॉच दिस गेम। यूवी, तू मेरी बात सुन। ट्विंकल देख, या तो हम लोग मैच देखेंगे और उसके बाद जाके मीटिंग करेंगे, या फिर हम लोग जाएंगे नहीं। नाउ इट्स योर कॉल, व्हाट यू वांट टू डू, टेक योर कॉल। फाइन, देख ले तू मैच। यस, यूवी से बड़ा चैंप है क्या? मैं भी देखता हूँ यॉकी क्या क्या जीता है। See you, Rocky Singh. Twinkle, जल्दी चलिए। क्या बंदा है? What punches? 7. दम तो है बंदा। 8. मानना। 9. 10. Winner. Wow! हमारे
शेर रॉकी सिंह ने टाइगर को उसकी असली जगह दिखा दी है। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप सबकी बारी है, क्या आप में से किसी में दम है जो रॉकी सिंह के साथ फाइट कर सके? इट्स एन ओपन चैलेंज। यू नो व्हाट, मैं इससे फाइट कर सकता हूँ। रियली? तू और रॉकी के साथ फाइट? ओ हेलो मैडम, तू शायद भूल रही है, मैं अमृतसर का चैंपियन रह चुका। मैंने कितनी फाइट जीती हैं, डू यू रिमेंबर? पर तू मुझे चेयर भी तो करा करती थी। वी फॉरगॉटन दैट? नो, आई हैवंट फॉरगॉटन दैट, लेकिन वो सालों पुरानी बात। और तू ना लोकल फाइटर्स के साथ फाइट करता था, ये इंटरनेशनल लेवल का चैंपियन है, समझा? ट्विंकल, फाइनली एक चैलेंजर। कम ऑन, अप। यूवी हाथ नीचे कर, बाल तुम्हें पिट जाएगा, नीचे कर। शानिमन, वो शेर है तो हम भी सवा शेर हैं। अब तो देख मैं कैसे इस रॉकी की बैंड बजा के आता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस में तेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। अब तो पंगा ले लिया है, बैंड तो बचाना पड़ेगा इसका। रॉकी को तो मैं बजा दूं। युवराज लूथरा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट युवराज लूथरा। पापा जी, प्लीज यूवी को सिग्नल पीस में वापस भेजना, प्लीज। डर तो नहीं लग रहा? अभी भी वक्त है, वापस जा सकते हो। मैं डर वाले दिन पैदा नहीं हुआ था, तब कॉन्फिडेंस। पर एक बात याद रखना, मैं हारने वाला खिलाड़ी में से नहीं, और मैं मैदान छोड़कर भागने वाले खिलाड़ियों में से बिल्कुल नहीं। गुड लक देन। यू टू, कम ऑन यूवी, कम ऑन। यो यूवी, यो यूवी, यो यूवी, यो यूवी। Oh, my God.
ना।